बात करने वाले हैं 30x50 के बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर हमारा थंबनेल देखा होगा, अगर आप हम बात करने वाले हैं इस मॉडल की, क्योंकि एक रिकमेंडेड मॉडल था, हमारे शबकावर थे, उनके कहने पर मॉडल को डिजाइन कर रहा हूं मैं। उन्होंने बोला था कि मुझे 30x50 में एक बेहतरीन सा मॉडर्न हाउस डिजाइन चाहिए, जो मॉडर्न में अभी हाल ही में जो डिजाइन चल रहे हैं, तो उन्हीं को देखते हुए इस मॉडल को मैंने क्रिएट किया। 30x50 फीट 1500 स्क्वायर फीट में मॉडल बना हुआ है और एक बेहतरीन सा लुक आपके सामने निकल कर आया है जो मैंने क्रिएट किया। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता था, बट वो जब मैंने क्रिएट किया तो मुझे लगा कि यहाँ पर और चीज़ें इंप्रूवमेंट की जा सकती हैं, तो मैंने इंप्रूवमेंट करते हुए इस मॉडल को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इससे पूरे मॉडल को जो मैंने बनाया है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज करके क्रिएट किया। तो आज हम इसी मॉडल को 1500 स्क्वायर फीट के मॉडल को डिजाइन करने वाले हैं। तो बने रहिए स्टूडियो में लगातार, मैं हूं पंचाग और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, स्मॉल हाउस प्लान को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सके। तो चलो ले चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देख सकते हो दोस्तों, ये पूरा मॉडल है ओवरऑल जो मैं आपको बता रहा हूँ, 30x50 फीट का है। फ्रंट एलिवेशन आपका ये देखने को मिलता है, शायद में साइड में मैंने विंडो दे रखे हैं, अगर आपके साइड में क्लोज्ड है, अगर तीनों साइड मकान बने तो आप इन्हें हटा सकते हैं। पीछे मैंने कोई भी विंडो नहीं दिया, इस तरह भी तीन विंडो दिया है। फ्रंट का ये मॉडल पूरा आपके सामने ऐसा बनकर रेडी हो जाता है 30x50 फीट। 30 फीट का मॉडल है क्योंकि यहाँ पर इनका इस साइड भी ओपन था, इस साइड भी मैंने छज्जा निकाला है थोड़ा सा, और फ्रंट में भी निकाले, तो देख सकते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से मॉडल जो फ्रंट एलिवेशन है ना, फ्रंट का डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत देखने को मिल रहा है। इसी वजह से इस मॉडल को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया है। तो चलो इस मॉडल को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इसके ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है जिसमें आपको दो पिलर मिलते हैं। इस पिलर पर देखिए राउंड शेप में मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया है। ये पिलर जो है ना, आपको थोड़े से डिज़ाइन के तौर पर बने हैं, कुछ हट के बने हुए, ये डिजाइनिंग का पार्ट है। इधर एक मैंने बेडरूम क्रिएट किया, इसलिए यहाँ पर मैंने विंडो लगा रखा है प्रॉपर तरीके से। ये आपके एक बरंदा छोटा सा मिलता है, बरंदे में आप स्लोप के माध्यम से अपनी बाइक वगैरह चढ़ा सकते हैं, स्टेयर्स के माध्यम से आप खुद भी चल सकते हैं। तो ये आपका पूरा देखने को मिल जाता है। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ रूप को हटा दिया है, छत को हटा दिया, तो अब आपको और प्रॉपर चीज़ें समझ में आएंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैं देखिए इसका टॉप व्यू पहले आपको दिखा देता हूँ। ये इसका टॉप व्यू बना हुआ है और यहाँ पर अभी दोनों चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा बहुत ही प्रॉपर तरीके से, आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी। और यहाँ पर स्पेस 30 फीट काफ़ी स्पेस होता है, तो मैंने जो चीज़ें क्रिएट की हैं रूम वगैरह, वो काफ़ी बड़े बड़े क्रिएट किए हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो जैसे भी स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाते हैं, तो आप बारंदे में सबसे पहले चढ़ते हैं। बारंदे के में चढ़ने के जस्ट साइड में राइट हैंड में आपको गेस्ट रूम मिलता है, ये देख सकते हैं। गेस्ट रूम के लिए डोर दिया है, मेन डोर आपका ये है जहाँ से एंट्री करेंगे घर में। एक और विंडो दिया है ये वेंटिलेशन के लिए। जैसे आप एंट्री करते हैं तो आपको ये देखिएगा डाइनिंग एरिया मिल जाता है, मतलब एक हॉल मिल जाता है, आप यहाँ पर सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं। इसका ये एक लेट एंड बाथ मिलता है। इधर आपकी राइट हैंड में स्टेयर्स मिलती है, इससे आप ऊपर चढ़ेंगे टर्न होकर बाहर आ जाएंगे। फिर ये डोर मिलता है, इसके बाद ये आपका एरिया मिलता है, यहाँ पर भी आपका डाइनिंग एरिया आप इसे बना सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा स्पेस है। इधर दोनों तरफ आपको मिल जाते हैं ये दोनों बेडरूम बड़े बड़े से। इधर बात करें, ये आपका पूजा घर है, ये आपका बड़ा सा किचन आपका बेडरूम के साइज़ का मैंने क्रिएट किया है। दोस्तों, अगर आप इसे किचन नहीं चाहते हैं, पूजा घर नहीं चाहते, तो इस वाले को किचन क्रिएट कर सकते हैं, इसको एज अ बेडरूम भी यूज कर सकते हैं क्योंकि किचन का साइज़ काफ़ी बड़ा है। इधर एक लेट एंड बाथ मैंने और क्रिएट किया है। तो 30x50 फीट में आपको दो लेट बाथ और तीन कमरे, एक बड़ा सा किचन और एक पूजा घर और स्टेयर्स, आपके दो लॉन मिलते हैं, एक डाइनिंग एरिया मिलता है और आपका ये एक एज अ गेस्ट रूम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको एक स्पेशल गेस्ट रूम और मिलता है, या इसे मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके बात करें, ये मॉडल बहुत ही खूबसूरत होने वाला था जो मैंने आपको आपके सामने डिस्कस किया। 30x50 फीट में 1500 स्क्वायर फीट में पूरा मॉडल, ये मैंने आपको इसका प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया। अब बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो इसके ऊपर देखिए, मैंने छत यहाँ पर डाल दी और इसके बाद आप देख सकते हैं ये मॉडल ऐसा दिखता है। लास्ट फ्लोर जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले दिखाया था, ये आपको पूरा लास्ट फ्लोर है जिसमें 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल आपका फिलहाल साइड में बना है, लेकिन फ्रंट का जो बाउंड्री वॉल है ये थोड़ा सा बड़ा है, ये लगभग 4.5 फीट में बना है। ये पूरा डिज़ाइन आपका 4.5 फीट ऊंचाई में बना है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये पूरा मॉडल था 30x50 का। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा मॉडल पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। और दोस्तों, मैं एक पेड सर्विस चलाता हूं, अगर आप किसी भी प्रकार के घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिलेगा, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें वहाँ कॉन्टैक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूँगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, वहाँ पर 50% पेमेंट पहले करना होता है, 50% बाद में, और आप किसी भी
कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्रॉड हो सकता है। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर आप मुझे कांटेक्ट करें। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगता हो तो आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारा अगर बात करें फेसबुक पर भी पेज है स्मॉल हाउस प्लान नाम से, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।